एक गुड्डी लक्ष्य ने काटी है, एक गुड्डी काटी है मैंने, काटी भी उसकी जिसकी काटनी चाहिए थी, क्योंकि जो ज्यादा उड़ कर रहे थे ना उनकी बोलती बंद कराई है। ऐसा हो एरोप्लेन में डोर बच जाए हमारी गुड्डी कट जाएगी यार, क्या होगा? ऐसा आज तक नहीं है, आज तक जहाँ पे एरोप्लेन चल रहा है ना वहाँ पे लिटरली हमारी गुड्डी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आप देख रहे हैं इनके ब्लॉग्स, मैं वॉक करेंगे। सो सुबह का टाइम हो चुका है 8:15 और मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। नमन जा चुका है स्कूल में, क्योंकि नमन का जल्दी स्कूल लगता है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में ना कुछ खाया, अपना मील वगैरह लिया, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे स्प्राउट्स जो होते हैं वो मैंने पैक करके स्कूल में लेके जा रहा हूँ, 3rd-4th पीरियड में खा लूँगा, क्योंकि फिर भूख लगेगी। अभी तो भूख लग भी नहीं रही है, अगर खाऊँगा फिर प्रेशर बन जाएगा, तो वो भी बात है ना। तो बाकी सीन है कि अभी लक्ष्य भाई भी चल रहा है मेरे साथ स्कूल और मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है? तो फटाफट चलते हैं। और आज मैं पानी की बोतल ले रहा, कल मैं पानी की बोतल ली थी क्योंकि कल पानी चाहिए था, बट आज भी चाहिए होगा, बट आज दोस्त के पानी से पी लेंगे। अब वो घड़ी का पता नहीं क्या बना, मैंने लक्ष्य को पूछा था, फिर भी पूछेंगे उस घड़ी का क्या बना होगा, ठीक है? अब चलते हैं स्कूल, फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। तो अभी मैं और लक्ष्य भाई निकल चुके हैं और बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, दिख नहीं रही होगी फोन में, बट देखो शायद कैमरे में एक बूंद पड़ जाए फिर दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी, ठीक है ना? तो हेलो, अब दिखा रहा है लक्ष्य भाई अपना फोन, बिल्कुल गैंट हो गया। गैंट कौन सा है गैस करना, पता ही होगा, आईफोन एक्स है, एक्स है। हाँ देखा, चलता हूँ अभी, दिखा तो दिया फोन, बिल्कुल ठीक हो गया, अब स्कूल चलता हूँ, फिर मिलता हूँ बाद में। स्कूल पहुँच चुके हैं और राघव इतना पढ़ाकू बच्चा है ना, सुबह सुबह पढ़ रहा है, बच्चे फोन चला रहे होते हैं, जैसे शशिकांत फोन चला रहा है, जैसे शशिकांत फोन चला रहा है, वो देखो कॉपी दुश्मन है ये, हर जगह मेरा साथ नहीं देता, ये तो हर जगह मेरी बेइज्जती करता है। उसके हाथ में घड़ी मिल गई। लक्ष्य कैसा लग रहा है? नहीं, तेरे को क्या लगा किसके पास है? तो अभी ना चढ़ेगा ये देखो इसके हाथ में घड़ी पड़ी हुई, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं, क्या करना है क्या भाई? 8:30 बज गए अब, बस ऐसे बैठते हैं, फिर आपके पास मिलता हूँ। स्कूल से आ चुका और अपने को ना यहाँ पे डिप्लोमा मिल गया हुआ स्कूल से 10th का, ठीक है? ये डिप्लोमा है और इसके पीछे है दूध, क्योंकि घर जाके बनाऊंगा बनाना शेक, ठीक है? सो प्री बना के और लेके आ चुके हैं ऊपर एक्सरसाइज करने। लक्ष्य भाई बताता आपको हमने प्री में क्या पिया। लक्ष्य क्या पिया प्री में? प्री में क्या पिया? हाँ हमने प्री में पिया कॉफी। और मौसम आज का बहुत ही गहरा है, सच में रियली बहुत ही गहरा है, आपको दिखाता हूँ एक बार। और दिस इज द मौसम एंड दिस इज द लक्ष्य ब्रदर एंड हियर इज द पार्क एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मौसम। और आज आपको बताता हूँ मैंने ना अपनी यूनिफॉर्म और नमन की यूनिफॉर्म खुद ही धोई है, पहले वार्म अप कर ले। ये आते ही वेट उठाने लगा, पहले वार्म अप जरूरी होता है, ठीक है ना? तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपनी यूनिफॉर्म और नमन की यूनिफॉर्म खुद धोई है। यहाँ पे रही मेरी पैंट और यहाँ पे रही नमन की शर्ट और दूसरी साइड, और ये सॉक्सेस भी धोई हैं
और ये रुमाल भी धोया था, और यहाँ पे मेरी टी शर्ट, नमन की पैंट। मैंने ना अपोजिट कर दिया, उधर अपनी पैंट नमन की टी शर्ट, इधर नमन की पैंट अपनी टी शर्ट। ये हो गया मेरे से, ठीक है। तो अब फटाफट आ जाए कंपाउंड एक्सरसाइज। कंपाउंड में हम करेंगे ट्रेन अपनी फोर आर्म, बेंच प्रेस मारेंगे 3 सेट या 4 सेट, और पुशअप्स वगैरह मारेंगे, और 2-3 एक्सरसाइज और करेंगे, फिर अपना वर्कआउट करेंगे खत्म, ठीक है। सो अभी ना मैं वार्म अप कर रहा था, आप सोच रहे होंगे कि मेरे को अभी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं वार्म अप कर रहा था अभी, पता। तो वार्म अप करने के दौरान हुआ क्या कि मैं वार्म अप कर रहा था और यहाँ पे खड़े हो गए, जहाँ पे मेरी पोजीशन है, जहाँ पे आपको कैमरे में दिखता हूँ मैं रोज, इधर, ठीक है। इधर मैं वार्म अप कर रहा था, तो इधर हुआ क्या कि इधर ना छत पे गुड्डी फंस गई, गुड्डी फंस गई, तो छत पे नहीं फंसी, छत पे गुड्डी की डोर फंसी और इधर गुड्डी फंसी थी, दिख रहा ना, इधर गुड्डी की गुड्डी टोटली इधर फंसी थी। और ये जो अभी उड़ा रहा है ना गुड्डी, ये वाली, ये हमसे ये वाली गुड्डी मांग रहा था, ये जो मैंने अभी पकड़ी है। मैं मोंटी में गया फटाफट, मैंने गुड्डी निकाली। मैं ना थोड़ी एक्सरसाइज करके फटाफट फिर गुड्डी उड़ाता हूँ, फिर आपको भी दिखाता हूँ। बड़ा मन कर रहा है कि गुड्डी उड़ाऊँ। बस 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 उड़ा। मेरे को नहीं, ऊपर भी दिखा गुड्डी है। गाइस काइट उड़ गई पूरी अच्छे से, बिल्कुल काइट उड़ गई। भाई भी उड़ा रहा मेरा, अनिकेत भाई एक्सरसाइज कर रहा था, बोलता काइट उड़ाने, काइट का मौसम आ रहा ना, काइट बड़े उड़ा रहे हैं लोग। ये देखो ये अपने बाइसेप्स दिखाते रहते हैं, ट्राइसेप्स है नहीं। काकू भी आ चुकी है ऊपर। सो अभी एक्सरसाइज तो कर रहा था, आपको दिखाया था गुड्डी उड़ा दी, और गुड्डी कहाँ पे है, यहाँ पे ये कहाँ पे है, दिख नहीं रही यार, लिटरली इधर से उड़ रही है गुड्डी। ये कहाँ पे है यार, मेरे को खुद नहीं, कहाँ पे लक्ष्य, वो भाई वाइट आसमान, वाइट गुड्डी नहीं दिखेगी आपको यार, मेरे को कसम से खुद नहीं दिख रही यार, ये कैमरे में दिख नहीं रही, ऐसे दिख रही है, नहीं दिख रही यार, नहीं दिख रही। एक गुड्डी लक्ष्य ने काटी है, गुड्डी पड़ जाएगा, और एक गुड्डी काटी है मैंने, एक गुड्डी मैंने काटी है, एक गुड्डी लक्ष्य ने काटी है, काटी भी उसकी है जिसकी काटनी चाहिए थी, क्योंकि जो ज्यादा उड़ कर रहे थे ना उनकी बोलती बंद कराई है, छोटी छोटी और गुड्डी कसम से बड़ी ऊपर है यार, दिख नहीं रही होगी आपको, ये दिख रहा हूँ मैं आपको यार, मारी ऊपर तक पे टॉप पे मारी, बात भी रहा साथ साथ में, क्योंकि साथ साथ में बात आ रहा तो गुड्डी आपस में आ जाएगी पास में, और इसकी डील छोड़ने के लिए आसान होगा, नहीं तो पूरा गट्टी खाली हो जाएगा। गट्टू खाली हो गया फिर तक लेने में यार, आ नहीं रहा यार, बहुत डर रहा है यार, गाइस गाइस डर रहा है, ये आपको पीछे दिख रहा है वो बंदे के, डर रहे हैं उनको कि एक गुड्डी काटी ना भाई, एरोप्लेन धो गई इतने बड़े, वैसे अगर ऐसा हो एरोप्लेन में डोर बच जाए हमारी गुड्डी कट जाएगी यार, क्या होगा भाई साहब, ऐसा आज तक नहीं है गाइस, आज तक जहां पे एरोप्लेन चल रहा है ना वहां पे लिटरली हमारी गुड्डी है, मैं आपको दिखाता हूं। आज कोइंसिडेंस कभी-कभी होता है, रोज नहीं होता। ये देखो ये एरोप्लेन जा रहा है, हमारी गुड्डी तो आपको दिख भी नहीं रही होगी गाइस, कोइंसिडेंट कभी-कभी होता, देख यार ये नहीं आ रहा यार, कसम से मैं वेट कर रहा हूँ कब से, आ जा यार, मेरे को डर लग रहा है यार, अपनी गुड्डी कटोगी तो काम हो जाएगा खराब, अगर गुड्डी में जोर आया तो फिर टीम छोड़ेंगे भाई, हमारी गुड्डी कसम से बड़ी दूर है यार, लिटरली बोल रहा हूँ यार, खिंचनी मारना यार, यार कसम से बच्चे हो तो लेना गाइस, फाइनली कट हो चुकी है यार, डोर दी यार, मैं गड्डी बांधू, बांध बांध गट्टू बांध, गट्टू बांध, अब मैं गाइस गट्टू बांधता हूँ, ठीक है, फटाफट गट्टू बांधता हूँ, क्योंकि सो अभी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की गुड्डी हमारी कहाँ पे है गाइस, स्पाइडरमैन है हमारा, दिखेंगी तो नहीं बट ये दिख रही है, हाँ ये दिख रही है, ये हमारी गुड्डी ये दिख रही है, ये बिल्कुल ब्लर में, इतनी दूर है ना यार, कसम से मैं आपको बता नहीं सकता, पता कहाँ पहुँच गई थी, ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई थी गाइस, अभी हमने बड़ी मुश्किल से खींची है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी इंडिया से, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया यार बड़ी दूर की बात है, बिना वीजा के देख रहे हो, बिना विदाउट वीजा, बिना पासपोर्ट के ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी हमारी गुड्डी, और एक एक गुड्डा साथ ही लेके, एक गुड्डी और साथ, दो गुड्डियां काटी हैं, मतलब कि तीन गुड्डियां, एक गुड्डी एक उसी बंदे की, दो और एक और की, एक गुड्डी इसने ऑस्ट्रेलिया सिडनी में छोड़ी, एक इसने मेलबोर्न में छोड़ी, ठीक है, सही बोल रहा है। तो अभी कंपाउंड एक्सरसाइज वगैरह हो गई है, थोड़ा सा पंप तो नहीं आया बट एक्सरसाइज हो गया, और गुड्डी जैसा सोचा था नहीं आएगी घर पे, नहीं आई, ये लव की वजह से कट हुई है,
है ना, गुंजल पा देता गुड्डी चली गई। देखो डोर कितनी गई है, ये आप बन रहा है, डोर तो बड़ी गई है पता मेरे को, बट गाइस आओ आपको चीज बताऊं मैं, गुड्डी की डोर थी आने उसका उसका मतलब है कि जाने का ऑफिस, पर चांस बन सकता था, इसने जो गुंजल पाया ना, अगर गुंजल नहीं डालता फिर डील छोड़ता, पेचा लग गया था, फिर काम करा मैं गंड मारने लगा गुंजल को, एक एम्स्टरडम पहुंच भी ना होगा10:05 और अभी मैं अपनी कॉपीज वगैरह ला के बैठ चुका हूँ, और लक्ष्य भाई भी बैठा हुआ है और नमन भी बैठा हुआ है, नमन अपनी ना राइटिंग सुधार आजकल, अपनी राइटिंग इतनी घैंट लगती है, घैंट ये देखो लग रहा नहीं, घैंट इतनी घैंट लगती है मेरे को अपनी राइटिंग, मजा आ जाता है ठीक है, मेरे फैंस को पता है मैं कैंड बोलता हूँ, कैंड नहीं बोलता है ना, कैंड बोलते हैं पंजाबी, कैंड बोलते हैं कोई नहीं बोलते, कैंड कैंड कोई बोलता है ये बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ ना कैंड, ठीक है, तो अभी गप्पे वगैरह लड़ेंगे फिर बाद में पढ़ूंगा, ठीक है, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पॉइंट करता हूं, जिसको आज का व्लॉग अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से शेयर करना, मिलते हैं गाइस जल्दी, लाइक करो, जय श्री राम।